अभी हम जा रहे हैं बिस बंगला लंच के लिए, क्योंकि आए हैं तो थोड़ा अच्छा ही जगह कुछ खा ले। तो मैं जा रही हूँ, रूम से ज़्यादा दूर नहीं है, पैदल चल जाएंगे तो पहुँच जाएंगे, इसलिए पैदल चल रही। तो अपने रेडी हो गए, बस अभी जाना है, खाएंगे। उसके बाद गुट्टू भैया को फ़ोन किया तो बोला अभी आएंगे नहीं, शाम में कहीं चलेंगे बोला। तो सोचे फ़ोन किया, बोला कि इको पार्क की तरफ नहीं चलते, तो इको पार्क शायद शाम में जाएंगे। तो अभी भूख लगा बड़े जोर का, क्योंकि हम खाए नहीं उसको, बस सिर्फ नीमकी चाय खाएँ और कुछ नहीं खाएँ। तो अभी जा रहे लंच करते हैं बिस बंगला गेट हैंगिंग रेस्टोरेंट इन कोलकाता। तो यहाँ का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। टिकट काउंटर वहाँ है, तभी जो हम रूम जा रहे थे ना तो पूछ लिए थे, तो टिकट नहीं मेरे को बोला गया, बस बोला गया था कि एंट्री करिए। वो दे गाड़ी क्यों बस जा रहा है भाई साहब, यहाँ गाड़ी सब सॉलिड सॉलिड देखने को मिलता है। ओ माय गॉड, दे 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 दे। अभी फरारी अभी ना भी, चलो कम से कम ये सब तो अच्छा मिला करो। वेटिंग लिस्ट में है नाम, बोला वेटिंग लिस्ट में, हमको तो वहाँ से दिख रहा है ना पूरा खाली खाली, फिर भी बोल रहा वेटिंग लिस्ट है, तो ठीक है वेट कर रहे हैं। नाम लिखा के आ गए, हाफ एन आवर वेट करने बोला है, भूख लग रहा है, ठीक है कोई नहीं, थोड़ा देर वेट करो खा ले, तब तक हम फोटोज वीडियो बना लेते हैं, आप लोग का फोटो क्लिक कर लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ आई लव न्यू टाउन, आई लव न्यू टाउन। कितना फ्लोर में है भैया? थर्ड। फीट कितना है? 25 मीटर। मैं चलिए अंदर खाने, पर हेड 500 रुपीज है। नहीं यहाँ सिस्टम था, 100 रुपया का टिकट कटाना पड़ता था, देन फिर खाना एक ही बार में इंक्लूड कर दिया। एक इंसान को 500 खाना होगा, तो मतलब मेरा वो खाना होगा 500 का। ये मेरा टेबल, आज इधर से भी हूँ, हम बैठ कर यहाँ खाएंगे। इतना सुंदर नजारा, इतना 20-25 मीटर पता नहीं, देखो ऐसे ज़्यादा अच्छा ऐसे करके रख के आज का लंच होगा। ये है मेन्यू कार्ड, हम 500 का अकेले नहीं खा सकते, आज खाना हो चिकन का अच्छा अच्छा आइटम खा लेंगे, बस खा लेंगे। वैसे भी ना है इतना अमाउंट है ना, 500 था इसी में। कोलकाता सब लंच में बैठे हैं और हम घूम के वीडियो बना रहे हैं। तो टेबल खाली है, फिर भी वेट करा दिया मेरे को। ये क्या हुआ, बिस बंगला गेट का रेस्टोरेंट, रूफटॉप रेस्टोरेंट, थोड़ा थोड़ा ना हिलता है, पता नहीं क्यों हिल रहा है, पर हिल रहा है। लिखा हुआ विश्व बंगला गेट, बड़े बच्चे मत, यहाँ से व्यू देखिए वो क्या है। तो
क्या लड़की है, अकेले ऐसे करो। ये है मदर तेरेसा, बंकिम चंद्रा, महान पुरुषों का यहाँ तस्वीर है, रामकृष्ण। हमारे बीएड का सेक्शन में सबको बहुत, मतलब क्या बोले, बहुत ही पढ़ाई होता है और इसके बारे में बार बार जिक्र होता है, राम मोहन रॉय। इसका थ्योरी हमें पढ़ाया जाता है पर हमको याद नहीं होता है। सरोजनी नायडू, अभी तक सरोजनी नायडू, स्वामी विवेकानंद मेरे कॉलेज का नाम, एंड देयर इज स्वामी विवेकानंद। फिर इधर व्यू, भूख लग रहा है बहुत देर से बैठे भैया, सब से बैठे बैठे भूख लग रहा। मेरा खाना इतना ज़्यादा नहीं खा पाएंगे ना, पैक करा के ले जाएंगे रूम में, रात नहीं खा लेंगे। फाइनली खाना उना हो गया, अब चले घर और रूम। अच्छा दोबारा जितना कुछ बचा हम सब ले लिए, पानी आधा टिश्यू पेपर। अब चले नीचे, 3 बज रहे हैं, थोड़ा रेस्ट करें। सोच रहे आज मार्केट तरफ हो आ लेंगे, देखते हैं। ये कैसा हो रहा? अच्छा नहीं है। हाँ अच्छा है, तो हम सारे दिख रहे पर नीचे उतर, ठीक है। तो अभी निकल गए हम विश्व बंगला गेट से, खाने नहीं पाए क्योंकि पार्सल ले लिए हैं जो कि अभी हम रात में खाएंगे। तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा है विश्व बंगला गेट का, तो आप लोग भी ज़रूर कोलकाता आएंगे तो ट्राई करिएगा। पर यहाँ का एक रूल है, 500 रुपया पर हेड, मतलब बिलिंग करना होगा। पहले शायद यूट्यूब वगैरह हमने देखे थे तो उसमें 100 रुपये एंट्री फी लग रहा था, आज नहीं लगा, बस खाया 500 का, 555 के 66 हुआ बिल। खा लिए, भरपेट खाए, पैक भी कर लिए। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में। यहाँ ना ये भी बना है बहुत सुंदर सा, क्या है पता नहीं, मेरा रिफ्लेक्ट हो रहा है यहाँ, हमसे कुछ नहीं होता। बाय बाय, टेक केयर।